जो सन 57 का इतिहास लिखता है, भिंड के वीरों की वीरता के बगैर वो इतिहास अधूरा रहेगा। और वहां से नहीं हटके, आज भी सबसे ज्यादा किसी एक जिले में सेना में लोग भर्ती होते हैं तो मेरे ये भिंड जिले के लोग। भिंड की माताओं ने हजारों सेनानियों को जन्म देने का गौरव प्राप्त किया और वीर रत्ना वसुंधरा मां भारती की रक्षा के लिए आज भी उतनी ही तत्पर है जितनी सन 57 में तत्पर है। मगर कांग्रेस के शासन के अंदर यही चंबल की घाटी को, यही महान चंबल घाटी को जो वीरों की भूमि रही, उसको डाकुओं की और बागियों की भूमि से तक कुख्यात होना पड़ा। शासन व्यवस्था इतनी लचर थी कि अपने समान की रक्षा के लिए लोग बगावत पर उतर आते। मैं शाबाशी देना चाहता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कि पूरी चंबल घाटी को डकैतों से मुक्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं जो चंबल घाटी मानसिंह और कई सारे लोगों से जानी जाती थी, वो चंबल घाटी में आज कोई भी एक बड़ा गैंग बागियों का डाकुओं का काम नहीं करता है, यहां विकास काम करता है, विकास काम। और मित्रों, विकास की जो गंगा बही है भिंड क्षेत्र के अंदर, हमारे सांसद महोदय ने भी उसमें बहुत बड़ा रोल किया है, बहुत बड़ा योगदान उनका है। जब भी आते हैं एक दो कागज भिंड के पकड़ा कर चले जाते हैं और बाद में पीछे लग जाते हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। और अच्छा ही है आज मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार और भगीरथ प्रसाद जी के कारण भिंड के अंदर एक विकास का रास्ता खुला है। इस क्षेत्र के पानी के निवारण की समस्या के निवारण के लिए 2200 करोड़ रुपए की लागत से सिंध नदी पर बंध बनाया जा रहा है जिससे घर घर में पानी पहुंचाने की व्यवस्था। भिंड का जिला अस्पताल है, नेशनल क्वालिटी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। कोई कल्पना कर सकता है भिंड का जिला अध्यक्ष, जिला अस्पताल देश के सभी अस्पतालों में क्वालिटी के लिए सर्टिफिकेट प्राप्त करेगा? ये चमत्कार तभी हो सकता है जब नीचे शिवराज सिंह की सरकार हो, ऊपर भाई नरेंद्र मोदी की सरकार हो, तभी हो सकता है। दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पूरे देश भर के अंदर कई व्यवस्था की जा रही है, उनके स्पोर्ट प्रशिक्षण के लिए, खेलों की उनकी तजज्ञता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण केंद्र भिंड में बनाया जा रहा है। ये भिंड इटावा, सविता जी भी आज यहां आई है, ये भिंड इटावा रेलवे लाइन कितने लोगों ने इधर उधर वादे किए पूरी हुई थी क्या बताओ भैया? मुझे जरा जोर से बोलो, भिंड वालों पूरी हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, शिवराज सिंह सरकार आई, 16 साल से बंद भिंड इटावा रेलवे लाइन का काम पूरा कर आज भिंड क्षेत्र के विकास के रास्ते खोलने का काम किया। 50 करोड़ की लागत से अकेले भिंड जिले के अंदर 50 करोड़ की लागत से 35 अंडर ब्रिज का निर्माण अकेले भिंड जिले के अंदर किया है। और मित्रों, 300 किलोमीटर लंबा चंबल एक्सप्रेसवे स्वीकृत हो गया है। 6000 करोड़ रुपया चंबल एक्सप्रेसवे में लगेगा, तब मेरे भिंड मुरैना के अंदर रोजगार के कितने साधन उपलब्ध होंगे। एक सैनिक स्कूल, यहां से सबसे ज्यादा वीर सेना को मिलते हैं, तो क्यों न बड़ा उनकी सुविधा के लिए जिले में ही सैनिक स्कूल बनाया जाए। एक सैनिक स्कूल का निर्माण ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर करने वाली है। और महारानी लक्ष्मीबाई के नाम के साथ जोड़कर एक
कृषि यूनिवर्सिटी यहाँ पर 250 करोड़ की लागत से यहाँ करने का काम कर दिया गया है और दतिया में एक कॉलेज भी खोलने का काम किया है। मित्रों, भीम जिले की जनता ने 5 साल के अंदर इतने केंद्र सरकार के काम कभी नहीं देखे मित्रों, जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का एक ही काम है, झूठ बोलना, जोर से बोलना, सार्वजनिक रूप से बोलना और बार बार बोलना, यही काम कांग्रेस पार्टी का है। अभी अभी मैं राहुल बाबा का एक भाषण एयरपोर्ट के वेटिंग रूम में देखा, वो बोल रहे थे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। अब मैं भले हमारे विरोधी पार्टी है मगर हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। दिन दहाड़े कोई व्यक्ति स्वप्न देखे तो इसको शाबाशी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। मित्रों, ये राहुल गांधी के मैनेजरों को मालूम नहीं है, जब से 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, एक के बाद एक चुनाव आप हारते जाते हो, आपकी पार्टी को दूरबीन लेकर ढूंढना पड़े ऐसी पार्टी। महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले चुनाव आया, कांग्रेस गई, भारतीय जनता पार्टी। भिंडवाड़ों मेरे साथ बोलोगे आप, थोड़ा लंबा है बोलोगे। महाराष्ट्र में चुनाव आया, कांग्रेस गई, जोर से बोलो भाजपा ही, कांग्रेस गई। हरियाणा में चुनाव आया, कांग्रेस गई। झारखंड में चुनाव आया, कांग्रेस गई। कश्मीर में चुनाव आया, कांग्रेस गई। असम में चुनाव आया, कांग्रेस गई। मणिपुर में चुनाव आया, कांग्रेस गई। नागालैंड में चुनाव आया, कांग्रेस गई। मेघालय में चुनाव आया, कांग्रेस गई। हिमाचल में चुनाव आया, कांग्रेस गई। उत्तराखंड में चुनाव आया, कांग्रेस गई। उत्तर प्रदेश में चुनाव आया, कांग्रेस गई। गुजरात में चुनाव आया, फिर से भाजपा आई। गोवा में चुनाव आया, फिर से भाजपा आई। अब मध्य प्रदेश में बताओ भला क्या होगा, जोर से बोलो क्या होगा। अरे भिंड वालों, इस बार सरकार नहीं बनानी है, इस बार सरकार तो बनानी है। सरकार ऐसे दमखम के साथ बनाई है कि टीवी देखते देखते कांग्रेस वालों के दिल धड़कना बंद हो जाए, इस प्रकार से सरकार बनानी। बोलो 200 पार करोगे, जोर से बोलो 200 पार करोगे। अरे यार ऊपर चढ़े हो, गिर नहीं जाओगे, आप लोग भी बोलो जरा 200 पार करोगे, 200 पार करोगे। मित्रों, कांग्रेस के शासन में मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य बन कर रहेगा। मध्य प्रदेश के अंदर कोई विकास नहीं होता था कांग्रेस के आने और मध्य प्रदेश के अंदर किसान परेशान, युवा परेशान, महिला परेशान, गांव परेशान, शहर परेशान। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। मुझे बताओ, काफी सारे लोग गांव वाले हैं, मुझे बताइए ये पिछली रानी कभी गांव में 24 घंटा आती थी क्या? जरा जोर से बोलो आती थी क्या? 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा बस, और रात हो गई, खाना खाते खाते थाली में हाथ खिचड़ी लेने के लिए डालते थे, कढ़ी में भूल जाता, मालूम ही नहीं पड़ता था। ये शिवराज जी की सरकार आई, मुझे बताओ गांव में 24 घंटा बिजली आती या नहीं आती? जोर से बोलो आती है या नहीं आती है? मित्रों, ये कांग्रेस किसान 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 करते हैं। राहुल बाबा को किसानों के नाम की रट लगी, मुझे बताओ। मैं राहुल बाबा को इस मंच से भिंड के लोगों के सामने कहना चाहता हूं, ये आगरा में उन्होंने भाषण किया था, एक भाषण किया कि आलू की फैक्ट्री लगेगी। अब जिस व्यक्ति को मालूम नहीं है आलू भूमि के अंदर होता है, भूमि के ऊपर होता है या फैक्ट्री में बनता है, वो किसानों की भला बात कैसे करे। मैं चैलेंज देता हूं, 2 दिन बाकी है, यहां आओ, इसी ग्राउंड पर भाषण करो, 2 खरीफ और 2 रवि क्रॉप के
नाम तो जरा दे दो। रबी फसल क्या होती है, खरीफ फसल क्या होती है, कभी बैल जोता है क्या राम बाबा? किसान किसान करते हो। आपकी सरकार थी मध्य प्रदेश के किसानों को कितने प्रतिशत पर ऋण मिलता था बताइए बड़ा? ऐसे नहीं जरा जोर से बताइए। 18% सूद पर ऋण मिलता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, शिवराज सिंह की सरकार आई, 18 से 16, 16 से 14, 14 से 12, 12 से 8, 8 से 6, 6 से 4 और 4 से 0%। मिलता है नहीं मिलता है? ये 1300 करोड़ रुपया ऋण देते थे किसानों को, हमने 13000 करोड़ देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। किसानों के गेहूं चावल सोयाबीन मक्का खरीदा जाता है नहीं खरीदा जाता है बताओ बोला? जोर से बोलो भैया, खरीदाता है नहीं खरीदा? समर्थन मूल्य मिलता है नहीं मिलता है? बोनस मिलता है नहीं मिलता है? ये कांग्रेस वाले कुछ नहीं कर रहे, ये पीछे से इशारे कर रहे हैं।